और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है इस एक साल में मुझे बिहार में लाके, जितना प्यार आप सभी जनता ने मुझे किया है उसकी मैं जिंदगी भर आभार रहूंगी। और मैं यही कहूंगी कि जैसे अभी प्यार दे रहे हैं वैसे जिंदगी भर प्यार करते रहिएगा, वैसे जिंदगी भर प्यार देते रहिएगा, है ना। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट तो इतनी लंबी है कि आते आते मुझे कमेटी के एक भैया ने बोला कि ये गाना जरूर गाइएगा कि लेला पुदीना लेला पुदीना। उसके बाद कहा गया कि अनुपमा जी आपका एक और यूट्यूब पे बहुत ही मशहूर है एक भजन कि चूड़ी हरी यारा का ले आई है रे सवर का पहिरी के नाचा छमा छा। और जिस गाने ने, जिस आपके, जिस चाहत ने, जिस आपके दिल टूटे हुए गाने ने आज मेरी और शिवेश की जोड़ी को ऑलराउंडर जोड़ी बना दिया, पूरे विश्व से कॉल आते हैं, पूरे देश विदेश से कॉल आते हैं, वो गाना था कि दिल ना लगाई हाँ अरे फेरू जानी आई हाँ कि अब जा 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 ये गाना हम सभी ने गाया था 12 दिसंबर को शिवेश जी के भाई की शादी में और बहुत ही एंजॉय किया था। और यही RUS बैंड की पूरी टीम ने मिलके उस गाने को बजाया था, तो मैं चाहूंगी एक बार इस बैंड के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी अच्छे म्यूजिशियंस हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब साज बाज और साउंड अच्छा होता है ना तो कलाकार के दिल में एक अलग सी एक पहचान बन जाती है। और आप लोग की जैसी जनता हो ना तो एक ही लव निकलता है कि लव यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए आप सभी को। लेकिन आइए एक दो भजन गाते हैं, उसके बाद पुदीना से लेके एक मेरा और गाना आया था अभी जस्ट एक हफ्ते पहले खेसारी भैया के साथ कि लाले हम लगवले बानी बहुत कला से अरे छटकत बाड़ू ऐसे जैसे मछली पे आसी ऐसे जना खरा देखैबू सावन में लग जाइया। ये गाना मेरा खेसारी भैया के साथ आया था। और एक और आया था कि कुकुर लेखा डांट के भगावो ना ए बाबू बहरिया बोना। ये सारे गाने आप सभी के सामने रखूंगे। और आज हमारे बीच में शिवेश तो स्टार ही है, आज हम लोग के बीच में एक और सुपरस्टार मौजूद है जिसका गाना था कि अखिया से नींद चन दिल के बुढ़ाबो है फलनावा के बेटी सपनावा में आबो है। आपके अपने शेर, आपके अपने शहर, आपके अपने क्षेत्र जहानाबाद का शेर जिसके साथ मैंने गाया था बबुनिया नाच के देखा नथुनिया हम ही पहनाई बोगे। सभी से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन आइए भजन के दौर में चलते हैं। सामने इतना अच्छा मंदिर सजा हुआ है, बोलिए सच्चे दरबार।